हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर वीडियो। आज से बात करने वाले हैं Redmi Note 11 के बारे में। हाँ दोस्तों, Redmi Note 11 दोस्तों शोकेस हो गया है चाइना के अंदर, एंड इसकी लॉन्च डेट जो है वो निकल के आ गई है। 28 तारीख को जो है लॉन्च होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों, इसका जो लुक है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये जो लुक है ये फ्लैट लुक दिया हुआ है। एंड अगर कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर तो आपको थोड़ा सा ये बिल्कुल एस्टेट सेम लगने वाला है Redmi Note 10, या फिर जो है सेम आप देखोगे तो डिजाइनिंग में जो कैमरा मॉड्यूल है वो इसका सेम लगने वाला है। लेकिन जो हाँ लुक दिया हुआ है दोस्तों, वो एकदम बिंदास वाला है, एकदम फ्लैट लुक, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों। किसी भी स्मार्टफोन को देखें तो लुक के मैं तो हाँ बोलूंगा Redmi ने यहाँ पर काफी जो है अच्छा काम किया अपने पिछले Redmi Note 10 से। एंड साथ ही आपको बताने वाले कि ये जो स्मार्टफोन आने वाले हैं तीनों ही 5G स्मार्टफोन आने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको तीन कैटेगरी यानी कि तीन जो है इसके मॉडल देखने को मिलेंगे। एक तो आएगा Redmi Note 11 जो रेगुलर वाला होगा, एंड दूसरा Redmi Note 11 Pro, एंड तीसरा Redmi Note 11 Pro Plus। तीन मॉडल देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल इंडिया के अंदर देखते हैं जो प्लस वाला मॉडल है वो यहां पर मैक्स के नाम से होने वाला है, तो इस बात का लोग ध्यान रखेगा। तो फिलहाल के लिए आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों Redmi Note 11 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले दो स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज हम बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 11 की। तो Redmi Note 11 की तो बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम इसके स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों लॉन्चिंग तो यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि 28 तारीख को ये चाइना के अंदर जाने वाले हैं, एंड साथ ही इंडिया में दोस्तों बहुत ही जल्द आपको जो है दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम स्पेक्स की। तो Redmi Note 11 में आपको मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले, जो कि एक LCD डिस्प्ले है। तो यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, तो मैं बोलूंगा हाँ डिस्प्ले तो ठीक ठाक नहीं मिलता है। एंड इसकी प्राइसिंग देखते हैं किस प्राइस पर लॉन्च किया जाता है। एंड साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जो है आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। आपको जो इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा होने वाला है यहां पर, क्योंकि इसका जो मेन जो मजा आता है वो गेमिंग के दौरान आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले बोलूंगा हाँ ठीक दिन को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो ये ओवरऑल बोलूंगा कि बैलेंस सा हुआ था, क्योंकि अगर यहाँ पर जो है AMOLED होता तो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। फिलहाल ये फाइनली जो है प्राइस पर डिपेंड करता है किस प्राइस पर आने वाला है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर ठीक दिन को मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर हम इसके परफॉर्मेंस की, तो इसमें दिया गया आपको Dimensity 810 चिपसेट, जो कि यहाँ पर एक 5G चिपसेट है। एंड साथ ही दोस्तों अभी यहाँ पर 5G बैंड को रिवील नहीं किया, कितने 5G बैंड आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि Xiaomi भी यहाँ पर दोस्तों 5G बैंड दोस्तों लेकर ही आए, क्योंकि इसके पिछले फोन भी मैंने देखे हुए हैं जहाँ पर जो है 4 से 5 से भी ज्यादा बैंड आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भी बैंड की कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जितने भी स्मार्टफोन आने वाले हैं इसके अंदर मॉडल जो आने वाले हैं सभी के सभी यहां पर 5G होने वाले हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप गेमिंग वगैरह भी यहां पर काफी अच्छे से कर पाओगे, PUBG एंड सॉरी BGMI वगैरह जो खेलना चाहते हो तो आराम से आप यहां पर खेल पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और फ्रेंड्स तो बात करें अगर यहाँ पर हम कैमरा साइड पे, तो कैमरा मॉड्यूल की सबसे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा हद तक दोस्तों आपको Redmi Note 10 जो है एकदम मतलब सेम देखने को मिलने वाला। हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है बहुत ही ध्यान से देखोगे, लेकिन आप एकदम से देखोगे तो आपको यही लगा कि यार ये जो है Redmi Note 10 का ही एकदम कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर यूज किया गया है। बाकी दोस्तों डिजाइन तो यहाँ पर एकदम से चेंज कर दिया गया है, तो वो तो एक काफी अच्छी बात हो ही जाती है। फिलहाल के लिए अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेट देगा। इसमें आपको जो है सैमसंग का G11 सेंसर देगा, जो कि एक प्राइमरी कैमरा है, जो कि 50 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। एंड साथ ही अगर बात करें हम सेकेंडरी कैमरे की, तो आपको 2 मेगापिक्सल का, एंड जो थर्ड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का यानी कि डेप्थ मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल मैं बोलूंगा कि यार दो यूजर्स कैमरा आपको मिल जाते हैं, एक यार यूज का कैमरा मिलता है जो कि आपको काफी अच्छी इमेज क्वालिटी दे देगा। एंड ये सैमसंग का सेंसर यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो ये भी काफी अच्छी बात होती है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अब हर बैंड जो है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल की जगह अब उसको कन्वर्ट कर रहा है 50 मेगापिक्सल में। एंड इससे पहले भी तो कई स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं, Redmi नहीं अपने Redmi 10 Prime लॉन्च किया था जिसके अंदर आपको यहां पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला था। तो फिलहाल के लिए तो अभी क्या है कि यहां पर जो है आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है। एंड फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है, तो ओवरऑल कैमरा सेटअप भी यहां पर ठीक-ठाक में मिल जाता है। हां दो यूएस कैमरे को छोड़कर तो आपको कैमरा क्वालिटी भी यहां पर आपको ठीक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं अगर यहां पर जो है बैटरी की, तो आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई, साथ में आपको यहां पर जो है 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। एंड चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही यहाँ पर मिल जाता है, तो ये भी एक काफी अच्छी बात होती है। एंड इसके अलावा बात करते हैं अगर आप सिक्योरिटी फीचर की, तो आपको यहाँ पर जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया, साथ ही आपको यहाँ पर फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें कनेक्टिविटी फीचर की, तो आपको ये डुअल 5G सिम सपोर्ट के साथ देखने को मिलने वाला है। एंड अभी 5G बैंड नहीं पता है कितने मिलने वाले हैं, हाँ 5 से ऊपर तो मेरे ख्याल से देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, ये मैं आपको जरूर से जल्दी यहाँ पर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर मैं अपडेट कर दूंगा। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर 3.5mm जैक मिल जाता है, साथ ही पर आपको आयर ब्लास्टर भी दिया गया है। जैसे भी आयर ब्लास्टर के बारे में जानना है तो मैं वीडियो बना चुका हूं, वो और वीडियो जाके जरूर से देखें, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों बात करें यहां पर हम रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की, तो आपको इसमें टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन फाइनली अब
की जो बेस वेरिएंट में उसके बारे में बताने वाला हूं। इसका जो बेस वेरिएंट आता है वो आता है 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। अगर रैम की बात करें तो आपको यहां पर LPDDR4X रैम का यूज किया गया है। साथ ही अगर बात करें स्टोरेज टाइप की तो आपको UFS 2.2 स्टोरेज मिल जाती है। तो आपको रीड राइट की स्पीड जो है एंड ऐप क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम है ये आपको काफी चीजों में मिल जाएगा। यानी परफॉर्मेंस आपको एकदम मक्खन वाली देखने को मिलने वाली है, तो कोई भी आपको दिक्कत यहां पर नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं दोस्तों यहां पर इसके जो प्राइसिंग की किस प्राइस पर दोस्तों लॉन्च होने वाला है, तो चाइना की जो प्राइस दोस्तों आई है निकल के यानी कि लीक होकर आई है, कंफर्म नहीं बोल सकता हूं, तो ये 14,000 रुपए की प्राइस में चाइना के अंदर जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइना के हिसाब से अगर देखें तो वहां पर जो प्राइस रहती है वो कम रहती है, लेकिन इंडिया में आते आते उसका प्राइस जो है थोड़ा सा दोस्तों इंक्रीज हो जाता है। एंड हाँ मैं बोलूंगा दोनों में तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए देखते हैं फाइनली इंडिया में किस प्राइस पर आता है। और ये अगर 12-13 की रेंज में दोस्तों आता है तो ये स्मार्टफोन काफी गजब का होने वाला है, परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी दे देगा। फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल लगता है कि यार इस प्राइस पर आने वाला है, देखते हैं कि अब कब किस प्राइस पर देखने को मिलता है। फिलहाल चाइना के अंदर की भी प्राइस जो है कन्फर्म नहीं हुई है, देखते हैं किस प्राइस पर चाइना के अंदर आ रहा है। तो 28 तारीख को वहां पर लॉन्च होने वाला है। मैं जैसे ही यहां पर लॉन्च होगा मैं ट्विटर पर अपडेट कर दूंगा आपको, तो फाइनली मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए अगर आपको टेक अपडेट चाहिए लेटेस्ट वाले तो फॉलो कर लीजिए। साथ ही कोई वीडियो पसंद आए हो एंड स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन है, फोन कैसा लगा आपको, डिजाइन कैसा लगा, सब कुछ तो कमेंट में बताएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स को रीड करता हूं। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।